वेल, अगर आपने KGF देखी है तो आप लोग कनाडा इंडस्ट्री को तो जानते ही होंगे। उसी कनाडा इंडस्ट्री की रिसेंटली रिलीज्ड मूवी जिसका नाम कंटारा है, उसका आज रिव्यू देखेंगे और थोड़ी सी इसकी स्टोरी लाइन देखेंगे। मुझे पता है कि आप लोग नाम सुन के हैरान है कि कंटारा ये किस तरह का नेम है। वेल, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8/10 चल रही है, जो कि काफी अच्छी है। तो स्टोरी एक पत्थर के इर्द गिर्द घूम रही होती है। सारी की सारी स्टोरी उस पत्थर से जुड़ी होती है जो पूरे गांव की हिफाजत करता है। गांव वालों का मानना है कि इसमें खुद भगवान बसता है, इसमें भगवान की शक्ति मौजूद है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन एक डेमीगॉड से होता है, जो इंसान सा दिखने वाला एक भगवान माना जाता है, जो कि हर इंसान से लड़ने की ताकत रखता है। अब दिक्कत यह है कि गांव एक जंगल में है, और वो जंगल, जैसा कि हर मूवीज़ में होता है, जो कि जंगल है वो सरकार को चाहिए ही होता है। तो इस मूवी में भी ये सरकार को चाहिए, ये जंगल सरकार को चाहिए भाई। तो उस पर सरकार अपना कब्जा करना चाहती है। पेड़ और जानवरों को बचाने के लिए तो पुलिस की वर्दी में एक फरिश्ता आ जाता है, जो कि सरकार से उन जानवरों को, उन पेड़ को बचा पाएगा। लेकिन इस मूवी में एक और पहलू है कि इसमें एक राक्षस है जिसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके पास काली शक्तियाँ हैं। वो इंसान या भगवान दोनों को अपने काबू में कर सकता है और उनसे कुछ भी करवा सकता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डेमीगॉड और वो पुलिस वाला इंसान दोनों गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी स्टार्ट से बताता हूँ कि ये डेमीगॉड इस गांव में आता कैसे है। वेल, कहानी एक बादशाह से स्टार्ट होती है जिसको मन की शांति चाहिए होती है। वो मन की शांति के लिए जंगलों में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक डेमीगॉड से होती है। वो इन्हें अपने साथ लेके आते हैं और डेमीगॉड साथ लेके जाने के लिए एक शर्त रखते हैं कि मैं जितनी आवाज़ लगाऊंगा, जितना बुलंद बोलूंगा, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी वहाँ वहाँ तक वो सारी की सारी ज़मीन इस जंगल में रहने वाले लोगों की कर दी जाएगी। वेल, राजा वो ज़मीन उनको देता है और डेमीगॉड को अपने साथ ले आता है। इस तरह से डेमीगॉड इस गांव में प्रवेश करता है, इस गांव में एंटर होता है। वेल, अगर रिव्यू की बात की जाए तो भाई ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी है जो कि कनाडा में रिलीज़ की गई है। काफ़ी अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है। इसका साउंड एक ऐसा थ्रिल पैदा करता है जो इंसान को अंदर से हिला देता है। और अगर आप लोग फैंटेसी, क्राइम, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर या किसी भी तरह की मूवी देखना चाहते हैं या देखना पसंद करते हैं तो भाई ये मूवी देख लीजिए। ये मूवी काफ़ी कमाल की मूवी है। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। इसके VFX बहुत कमाल के हैं, इसकी फाइटिंग सीक्वेंस, इसकी सिनेमाटोग्राफी, सारा का सारा बहुत कमाल से इसे तरतीब दिया गया है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी कम से कम एक बार तो देखनी ही चाहिए भाई, बहुत कमाल की मूवी बनाई गई है। तो ये थी थोड़ी सी स्टोरी और थोड़ा सा इसका रिव्यू। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी हमारी वीडियो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।